क्या समीक्षा रहेगी? देखिए, आगरा का प्रभारी होने के नाते महीने में कम से कम दो बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में बैठूंगा और क्या क्या चीजें संगठन में गठित हुई हैं, कैसे कार्यक्रम हुए हैं, कैसे क्या हुआ है, या प्रशासनिक रूप में क्या सुधार हुए हैं, क्या शिकायतें हुई हैं, इसकी एक सामान्य समीक्षा इन 15 दिनों में 20 दिनों में होती है। और मुझे अच्छा लगा कि जो यहाँ पे कार्यक्रम थे, चाहे वो बूथ अध्यक्ष का, बूथ अध्यक्षों का एक तरीके से सम्मान समारोह हो, यहाँ पर कमल संदेश यात्रा हो, दोनों अच्छा निकला संगठन के तौर पर। और प्रशासन के तौर पर अभी मैं बैठ रहा हूँ स्वच्छता के बारे में, परीक्षाओं के संदर्भ में और कुछ विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों के संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चा। सर, जिले में बंदर और कुत्तों का आतंक है, एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, बहुत परेशान है जनता। देखिए, बंदरों के जो वानर के संदर्भ में है, वन विभाग से भी वार्ता चल रही है, संरक्षित जीव की श्रेणी में आते हैं, उनका क्या उपाय चल सकता है, ये पूरे प्रशासन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर नीति तय होना है। श्वान या कुत्ते के संदर्भ में मेरी कोशिश होगी कि नगर निगम के माध्यम से जल्दी से जो भारत सरकार की एक योजना है बंध्याकरण की, तो उसका उस योजना को कार्यान्वित यहाँ कैसे कर सके, अभी मैंने इसीलिए नगर आयुक्त को और प्रदेश में भी है, तो क्या मानती है न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करती आई है, टकराव करना ये विपक्ष का काम होता है, हमारा तो ठहराव और किसी भी चीज़ को करने के लिए हम पूरी तरीके से जो हमने वादा किया है जनता से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में हमने संकल्प पत्र में इतना दिया है और आज भी हम उस पर कायम हैं। ये बात अलग है कि लोगों को जल्दी इसका निपटारा हो, इसकी आशा जगी रही है। देखिए, मैं अधिकृत व्यक्ति किसी के बारे में पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। सर, लखनऊ के अंदर राज्यसभा सांसद संजय सेठ के आवास पर बीएसपी सुप्रीमो, सपा सुप्रीमो में गठबंधन को लेकर बात हुई है। 15 जनवरी से गठबंधन यूपी में मूर्त रूप में आ सकता है, बीजेपी को कितना खतरा है? देखिए, खतरा उनको है, बीजेपी को नहीं है। बीजेपी को खतरा होता है तो बीजेपी अपने बल पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, कमल संदेश यात्रा, इतने सारे विकास कार्य केंद्र और प्रदेश के जो हमने किए हैं, केंद्र और प्रदेश में विकास कार्य, उससे ये डरे हुए हैं और उससे डर कर ही गठबंधन की बात करते हैं। अगर हमने काम ना किया होता तो ये डरते क्या? तो ये अलग अलग मैदान ठोकते, ये सपा बसपा के लिए विरोध में आती है और बसपा सपा के विरोध में आती है। आगरा में दोनों ने हमने काम किया है, इसलिए इन विपक्ष के लोगों में डर पैदा है, चाहे वो सपा हो, इन सब में भय व्याप्त है और ये आपस में मिलकर बीजेपी को हराने का दिवा स्वप्न देखना चाहते हैं। और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने काम के बल पर बिल्कुल हम निश्चिंत हैं, ये सब मिल जाए एक बार, हम ये मना रहे हैं और सब मिलके ये हारें, जिससे बार बार ये गठबंधन और महागठबंधन, लठबंधन या झूठबंधन सब खत्म हो जाए। पांच राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें क्या संभावना है? चार राज्यों में सरकार बनाएंगे और पांचवें राज्य में हमारे समर्थन, हमारे विचारधारा के लोग सरकार में। लेकिन सर, तमाम सर्वे राजस्थान तो लूज दिखा रहे। एक सर्वे मैं बता रहा हूँ ना, राजस्थान में भी पिछले बार से ज्यादा सीटें पाएंगे। तो जो राजनीतिक बयानबाजी है, चौकीदार चोर है का नारा राहुल जी लगाते हैं, उस मामले में क्या कहना है? ये इसके बारे में तो मुझे नहीं, जनता का कहना है। ऐसा व्यक्ति आज आरोप लगा रहे हैं जिनके वहां 4 करोड़ से 400 करोड़ केवल एक साल के अंदर हो जाता है, जिनका पूरा खानदान जमानत पे चल रहा है, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं जिनकी माँ आज भी टेम्पो पे चलती है, भाई पेट्रोल पंप पे और राशन की दुकान पर काम करते हैं, क्लर्कल से वो रिटायर हो जाते हैं, जिसका परिवार वो आज चोर हो गया और साह वो लोग हो गए जिनका पूरा परिवार जमानत पे चल रहा हो और 4 करोड़ से 400 करोड़ बना लिए हों, वो आज आरोप लगाएंगे, तो जनता इसका जवाब देना जानती है। राजा भैया कितना डेंट पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? राजा भैया कितना खतरा है राजा भाजपा के लिए? लखनऊ एक्सप्रेस कोई खतरा नहीं है बीजेपी के लिए, कोई किसी का लाभ और हानि की इसलिए प्रश्न नहीं उठता कि हम अपने बल पर लड़ रहे हैं जी।
हम अपने बल पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें खतरा किसी से नहीं, खतरा सबको है जो अलग अलग लड़ रहे हैं या जो मिलकर लड़ रहे हैं।